गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड-19 के चलते मास्क को लेकर के चालान हुए। प्रदेश में अब तक 3 लाख चालान काटे गए, इसमें करीब 15 करोड़ की वसूली हुई। सिरसा में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। पहले वीकेंड में काफी दुकानें खुली थी, इसकी शिकायत प्रशासन को दी गई थी। अब लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। डिप्टी सीएम दुष्यंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्साइज विभाग के कलेक्शन को लेकर की जानकारी दी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि विभाग ने 75 करोड़ रुपए के कोरोना सेस के तौर पर जुटाए, वहीं 27.33 करोड़ रुपए अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी के तौर पर मिले। जेईई और नीट के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर चल रहे घमासान पर हुड्डा ने कहा कि सरकार एग्जाम को लेने में जल्दबाजी कर रही है। सरकार को समझना चाहिए कि देश में अलग अलग इलाकों में हालात खराब हैं। नारंगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सलजा ने सरपंचों पर राइट टू रिकॉल के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के प्रस्तावित बिल को एक अलोकतांत्रिक कदम बताया। रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत में ही उत्पादन बढ़े, नई तकनीक भारत में ही विकसित हो और प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में यह बैठक हुई। बैठक में राज्यों को जीएसटी के मुआवजे पर मंथन हुआ। बैठक में राज्यों को 2 विकल्प दिए गए। पहले विकल्प पर केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजा दे या फिर आरबीआई से उधार लिया जाए। देश में कोरोना के रिकॉर्ड 75,995 केस आए सामने। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 33 लाख के पार। 60,629 की हुई मौत। देश में महाराष्ट्र में कोरोना में सबसे ज्यादा मरीज एक दिन में आए सामने। 14,718 नए केस, 355 की मौत। महाराष्ट्र में अब तक 23,000 से ज्यादा की मौत। हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं आंकड़े। एक दिन में सामने आए 293 नए केस, 12 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में अब 9,962 केस एक्टिव। पंचकुला में 3 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। 121 नए केस मिले। जिले में मरने वालों का आंकड़ा 15 हो गया। कोरोना संक्रमित मरीजों में कुछ दूसरे जिलों राज्यों के भी हैं। करनाल में 71 नए कोरोना के केस मिले हैं। जिले में अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,414 हो गई है। 1,630 मरीज ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 759। फरीदाबाद में कोरोना का कहर जारी है। एचएसबीपी कार्यालय में स्टेट ऑफिसर समेत दर्जन भर कर्मचारी हुए कोरोना संक्रमित। 96 पॉजिटिव केस मिले। जिले में कोरोना के केस 12,187। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। ट्वीट करके दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में 3 सितंबर से स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए शेड्यूल किया गया जारी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर कॉलेज ने पैरामेडिकल की टीम और एम्बुलेंस की मांग की। पानीपत में दूसरों से टोल टैक्स वसूली पर टोल कंपनी पर लाखों रुपए के टैक्स की देनदारी है। कई सरकारी इमारतों पर भी लाखों रुपए का टैक्स बकाया है। करनाल में व्यापारियों ने दुकान बंद करके सड़क पर किया प्रदर्शन। दुकानदारों का कहना है कि मेन बाजार के पास पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं, अगर लोगों ने मास्क भी लगाया हो तो भी उसके बावजूद उनका चालान काट देते हैं। रेवाड़ी में हरी सब्जियों के आसमान छूते भाव ने रसोई का स्वाद बिगाड़ दिया है। सब्जी बेचने वालों का कहना है कि इस बार पहले से ज्यादा बरसात होने के कारण हरी सब्जियों की खेती बिल्कुल खराब हो गई। गोहाना में परिवार पहचान पत्र बनाने के काम से टीचर्स को परेशानी हो रही है। वेबसाइट पर परिवार का डाटा अपलोड होने में दिक्कत आ रही। वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने के बाद भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। रादौर से कांग्रेस के विधायक कृष्णलाल सैनी ने एक शख्स ने फोन पर धमकी दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। गुड़गांव में स्वास्थ्य विभाग के गोह के कातिलों का खुलासा किया है। गाजियाबाद में यह गोरख धंधा चल रहा था। आरोपी 40,000 में गैर कानूनी भ्रूण की जांच करते थे। कनीना के रोंगड़ अहिर गांव की बेटी ने नोएडा के गुरुकुल में हुई संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि बेटी के साथ गलत हुआ है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। कुरुक्षेत्र में लॉकडाउन में कराधान विभाग के अधिकारियों के द्वारा शराब ठेकेदार पर मेहरबानियों की कहानी अभी तक खत्म भी नहीं हुई कि अब आबकारी विभाग में भी करीब 64 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले का मामला सामने आया। जाखल में पुलिस ने अवैध हथियार समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस किया बरामद। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती और परिवार की नहीं कम हो रही है मुश्किलें। ईडी ने रिया के पिता इंद्रजीत को भेजा समन, मांगी बैंक लॉकर की चाबी।